सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। मैं हाँ निरूप जलवान। चंडीगढ़ नगर निगम की कल की बैठक भी हंगामेदार रही। अगर तकरीबन पिछले दिन की गल की जाए, लगातार जो बैठक ने हंगामेदार रही है, आम आदमी पार्टी वार बार कटिया जाता। दमनप्रीत जी, किवें वेखते हो, क्योंकि आप दे काउंसलर बहुत घट सके, तो बार बार इल्जाम लगाया जाता है कि कई बार जो है कांग्रेस तो आप मिलकर पहले तो एजेंडे पास नहीं होने देती, लेकिन कल जो एजेंडे पास होने बड़े आराम नाल पास हो गए जब तुहाडे सारे नूं बाहर कट दिता। देखो जिहड़े डिवेलपिंग दे एजेंडे होंदे ना, उन्हूं कोई नहीं, असीं भी नहीं रोकदे, क्योंकि किसी का पार्क बनना, किसी का फुटपाथ बनना, मेरे एरिए दे भी काम ने, किसी होर काउंसलर दे एरिए दे काम ने, उहदे विच कदी किंतू परंतु नहीं होंदी। किंतु परंतु किन्ना ते होंदी है जिहड़े वड्डे प्रोजैक्ट होंदे ने। इस तों पहलां लास्ट टाइम जदों हाउस की मीटिंग हुई, डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा सी, तुसीं देख सकते हो भी किरण खेर मैडम कभी हाउस च आंदे ही नहीं। उस दिन क्यों आए, क्योंकि उन्होंने पता सी कि मैं उत्थे जाना है, मैं गाली गलोच करनी है, हाउस का माहौल खराब करना है, और मेयर असंविधानिक तरीके दे नाल इन्हां नूं बाहर कढेगा, सस्पेंड करेगा, उन्हां दी प्री प्लैन सीगा। और कल जिहड़ी मीटिंग हुई है उहदे विच तां कुछ इदां दा सीन ही नहीं सीगा। मैं चंद सवाल किए थे और मेरे सवालों के जवाब भी मिल रहे थे। मेरा पहला सवाल सी जिहड़ी टाउन वेंडिंग कमेटी के मैंबर ने, तुहाडे टिम्मा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ने, उन्हां नूं साइट किस तरीके अलॉट की गई है, क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप कोटे की साइट उन्होंने अलॉट की है। तुसी एक फिजिकल हैंडीकैप का हक मार के उन्होंने दे रहे हो, इदा मैं लोगों तो पता लग्या भी वो उन्होंने हक मार के उन्होंने दे रहे हैं, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने। मैं कहना भी हो सकता मैं गलत है, पर तुसी प्रूफ तो करो तुसी सही हो। मैं सिर्फ एको दो सवाल किए, पहला सवाल ये भी किमें दिती, वो कहते फिजिकल हैंडीकैप कोटे च दिती, क्योंकि ये हाउस ने मनिया भी फिजिकल हैंडीकैप होवे, विडो होवे, होर कई तीन चार कोटे उन्होंने रखे ने भी उन्होंने साइटा अलॉट करनिया होंगे ने। ठीक है जी, जिस बंदे नूं कीती है वो फिजिकल हैंडीकैप हैगा, तो उपरों साडे पवित्र जी जॉइंट कमिश्नर ने उन्होंने पटल के माध्यम राही दस्या कि वो 80% फिजिकल हैंडीकैप है। मेरा तीजा सवाल उस पर होना सी, जे वो हैंडीकैप हैगा तो कोई प्रमाण पत्र किसी डॉक्टर ने दिता होगा, वो तुसी पटल दे विच सार्वजनिक कर दो, ते मेरे सने सारे लोगों नू गलत ते झूठा साबित कर दो। मैं भी गलत हाँ, वो लोग जिहड़े तुहाडे कारपोरेशन के दफ्तर के बाहर धरना लाई बैठे ने वह भी गलत ने, तुसी सही हो, पर सार्वजनिकता करो। मेरे सवाल होना सी अगला, इस तो पहला ही कन्वर राणा जी उठते ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो साड़ी 1.5 महीने पहला जी की गई है वो लैके आते तो कहें भी इन्हां दे लीडर ऑफ ओपोजिशन दमनप्रीत सिंह ने सानू इहदे विच चोर कहा। मैं दसना चाहना भी उस दे विच ना मैं चोर शब्द वरत्या, ना ही साड़ी पार्टी वक्ता ने वरत्या, ना ही उत्थे बैठे किसी कौंसलर ने वरत्या। वो जी क्लिपिंग हैगी है, क्योंकि न्यूज़पेपर की क्लिपिंग सारे ने फड़ी हुई सी। जो सवाल मेरा रहेगा, हाँ जी बिल्कुल, वो कहते भ्रष्टाचारी टूर सी, तो सवाल कांग्रेस का पार्षदों का यह कि पिछले स्टडी टूर से तुसी भी गए सी, फिर कि तुसी भी भ्रष्टाचारी हो, तो इस नाल एक होर सवाल सीगा, उन्होंने कहा तुसी पूरे निगम नू सदन नू भ्रष्टाचारी कह रहे, जिस उत्ते सारे नाराज सन। देखो मैं हुण भी कह रहा भ्रष्टाचारी है, जिहड़ा इस तो पहला टूर गया मैं दसना चाहना, उहदे विच मैं भी नहीं गया, साढ़े कुछ पार्षद गए सी, साड़ी पार्टी हाईकमान ने कहा सी, क्योंकि जिहड़ा बाहर जाण दा जिहड़ा खर्चा हुंदा पहला ही निश्चित हुंदा, नहीं तो वह वेस्ट हो जाता जे नहीं जाते, तो उहदे विच अगर इंदौर गए ने तो वह देखण गए ने, बट कोई प्लांट तो नहीं लगना सी ना, जिस प्लांट दे असीं खिलाफ़ हाँ, जिहड़ा प्लांट इन्हां ने पास करता उस तो बाद उहनूं बाहर लैके जाना भी दिखाना, प्लांट पास हो गया हाउस दे विच, धक्का कीता सानूं बाहर कढ़िया, फिर पास भी करा लिया धक्के नाल, प्लांट उही लगना जिहड़ा नीरी ने दस्या, गवर्नर साहब ने भी कहता, और गवर्नर साहब ने यह भी कहता उत्थे लगना जिथे डिसाइड होया, जब सारा कुछ डिसाइडेड है फिर पार्षदों नूं उत्थे ले जाण दी की मतलब। पिछली बार भी तुसीं देखो लाडी जी ने शिकायत दित्ती सी गवर्नर कोल पहुंचे सन, हुण भी तुसीं कह रहे हो गवर्नर कोल जाना हैगा, तो हुण ये मामला किवें निपटेगा, क्योंकि सब तो पहले तो योगेश जी नाल गल करदी, योगेश जी कल तुहाडे उत्ते भी सवाल चक्के गए, तुसीं सैकटरी साहब नूं जो है फोन के उत्ते धमकाया हैगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है जी, तुसीं रिकॉर्डिंग लैके आओ, मैं चैलेंज करना तुहाडे चैनल के थ्रू ही करना, उन्होंने मेरे शब्दों नूं मोड़ के पेश किया, पर तुसी उहदी रिकॉर्डिंग कढ़ा लो, दुध दे दुध ते पानी दा पानी हो जाएगा। मैं किसी भी सैकटरी साहब नूं धमकी नहीं दित्ती, ये जदों कन्वर साहब आके सीट ते बैठे है, सीनियर अनूप गुप्ता जी ने आपकी सीट छड़ती ते उन्हां दी जगह ते आके कन्वर राणा जी बैठे, उन्होंने आके ही शब्द मेरे बदल दिते, तुसी वॉइस रिकॉर्डिंग निकालो, उत्थों दुध दा दुध पानी दा पानी हो जाएगा। लाडी जी किवें वेखदे हो, पहले भी शिकायत गवर्नर कोल पहुंची सी, हुण फिर एक बार शिकायत जो है गवर्नर कोल पहुंचण वाली है, तो इस बार तुसी की मतलब मुद्दे रखण वाले हो?
यही मुद्दे हैं जी साडे नाल धक्का हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। गवर्नर साहब अखां ते पट्टी बन के बैठे ने, मूँह ते उन्हां दे ताला लग्या होया, तो उन्होंने जगावांगा, उन्हां दी पट्टी खोलांगे भी जनाब पट्टी खोलो साहब, हाई एक्सीलेंसी उठो नींद तो जागो, संविधान का की हाल करता, सानू चुने हुए लोग पार्षदां नू जनता ने भेजा भी साडी गल करो, साढ़े दे हो टैक्स की गल करो, साडा डंपिंग रोड उत्थे गल गया, बीमारियां पै गई, उत्थे लोगों के घर च दमे की प्रॉब्लम हो गई, 20-20 साल के बच्चों ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੋਏ A to Z ਫਰੀ ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਗਰ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਯਾਰ ਲਾਡੀ ਦੀ ਜੇਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ CPCC ਨੂੰ NGT ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਨ ਭਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫਰੀ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਉ। CPCC ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ? ਸਟਰੋਂਗ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਡਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਫਾਈਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ, ਲੋਕ ਫਾਈਨ ਆਇਆ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਰ ਦਿਉ ਫਾਈਨ, ਕਿਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ? ਲਾਡੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਲੱਡ ਆਇਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਵੜਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਲਾਡੀ ਜੀ, ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮੰਗੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੋਗੇ? 5 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕਿਆ, 1 ਵਾਰ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੇਜਾਂਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਡੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।